इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में पावर शो, तहरीक इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत सेंट्रल पंजाब के सदर अली इम्तियाज वडाइज करेंगे। अहम खबर है जो आपको पहुंचा रहे हैं, आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में पावर शो, तहरीक इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इजलास तलब कर लिया है। इजलास की सदारत सेंट्रल पंजाब के सदर अली इम्तियाज वडाइज करेंगे। सियासत के मैदान से अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में 29 अप्रैल को होने वाले पावर शो के हवाले से यूथ विंग लाहौर का इजलास तलब कर लिया गया। इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से अंदरून लाहौर में कैंपेन का भी आगाज कर लिया गया था। और यह भी बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद लाहौर आएंगे और इस मेंबर साजी मुहिम का जायजा भी लेंगे। और साथ ही साथ 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर होने वाला जो पावर शो है उसकी इंतजामी उमूर को भी देखेंगे। इजलास की सदारत जो आज तहरीक इंसाफ यूथ विंग का इजलास हुआ, उस इजलास की सदारत सेंट्रल पंजाब सदर अली इम्तियाज वड़ाइज करेंगे। आपको तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर दे रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं। 29 अप्रैल को यह जलसा किया जा रहा है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इजलास तलब कर लिया और इजलास की सदारत सेंट्रल पंजाब के सदर अली इम्तियाज वड़ाइज करेंगे। आपको बताते चले कि 2018 इलेक्शन का साल है, जनरल इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर है, तहरीक इंसाफ भी इसमें पेश है। अपनी मेंबर साथी मुहिम का भी उन्होंने आगाज कर दिया है। कुछ रोज कबल कप्तान भी लाहौर का दौरा करके गए और अब दोबारा से 24 अप्रैल को वो लाहौर का दौरा करेंगे और आज यूथ विंग का इजलास होने जा रहा है।